हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन कानूनगो संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन बिलासपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने की। इस बैठक में प्रदेश भर से आए संघ प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ओपीएस लागू करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। संजय शर्मा ने बताया, छठे वेतन आयोग के लागू होने पर निर्वाचन कानूनगो के पद को अधिसूचना से वंचित रखा गया है। इस बारे में सरकार के समक्ष पत्राचार कर गुहार लगाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी महासचिव को सौंपी जाएगी। नायब तहसीलदार निर्वाचन के 10 पदों के सृजन के लिए भी मुख्यमंत्री और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष गुहार लगाएंगे। निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानून को क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चपरासी आदि के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं तथा इससे अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सरकार इस मसले पर विचार कर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन कानून को संघ की बैठक बिलासपुर में आयोजित की, जिसमें हम अपनी ओर से सरकार का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने ओल्ड पेंशन योजना को जारी किया, जिन्होंने अभी 31 मार्च को जो हमारे 2 साल पूरी करने वाले आए, जिनकी सेवा पूरी हुई है, वो लोग सभी जो है हमारे रेगुलर हुए हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि निर्वाचन कानून गो संघ के बारे में भी सरकार जो है वो कुछ संवेदनापूर्वक विचार विमर्श करे और हमारी जो कुछ मांगे, कुछ हमारी डिमांड्स हैं, उनके बारे में भी निर्णय जो है वो अतिशीघ्र ले जाएँ, ताकि हम हमारा भी कल्याण हो और हमें भी सरकार की जो आशाओं के अनुरूप हम कार्य कर सकें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रशासन का सहयोग कर सकें। इसके साथ ही हमारी सरकार से ये अनुरोध भी रहेगा, कार्यबद्ध निवेदन भी रहेगा कि जो हमारे पद खाली हैं, निर्वाचन कानून को क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीएन, चपरासी, इन सभी के पदों को जो भरा जाए, ताकि कार्य जो अनुरूप जो हमारा कार्य किया जा सके। और हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, जिसमें हमारे जो ग्रेड पे हमारे जो निर्वाचन कानून को वहाँ से अधिसूचना से कहीं टूट गए गलती से, तो उन्हें भी जोड़ा जाए ताकि उनको अधिसूचना के अनुसार जो बेनिफिट है वो मिल सकें और उनको 2016 के अनुरूप जो विशेषण जो है राजस्व कानून को बराबर जो उनका वेतनमान जो निर्धारित किया जा सके। और साथ ही हमारे जो नायब तहसीलदार की पोस्ट जो हम बड़े दिनों से मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय को हमने मेमोरेंडम भी दिए थे, वर्तमान मुख्यमंत्री को, निवर्तमान मुख्यमंत्री को भी, लेकिन अभी तक वो चीज़ें जो पेंडिंग है, हम निवेदन करेंगे सरकार से, अनुरोध रहेगा, कर्मबद्ध प्रार्थना रहेगी कि उन पर भी अतिशीघ्र निर्णय लिया जा सके, ताकि हमारे 23 साल से एक एक पोस्ट पर, एक ही पद पर काम कर रहे लोग जो है वो अपना प्रमोशन पदोन्नति का सुख जो अनुभव कर सके, और कुछ लोग तो एक ही पद पर रिटायरिंग होने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ये निर्णय हो सकें और वो भी अपनी पदोन्नति का लाभ ले सकें, यही हमारा अनुरोध है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।